Otra pillada, ¿no? सर काफ़ी ये स्लो है सर हमारा स्टेट में शायद वैक्सीनेशन, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अभी हमारे पुलिस के लोगों का एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग लगवा पाएँ। मुझे भी और एसपी कैपिटल को भी एक हफ्ते पहले लगवाना था, लेकिन ड्यूटी की व्यवस्थाओं के कारण लगवा नहीं पाए। अब हम सभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और सभी यूनिट में, डिस्ट्रिक्ट में बताया जा रहा है कि सभी लोग टीका लगवाएं। आज मैंने भी लगवाया, एसपी कैपिटल ने भी लगवाया। और साथ साथ इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोरोना वैक्सीनेशन एक तो बहुत ज़रूरी है, सभी लोग को लगवाना चाहिए, बिल्कुल सेफ़ है। जिन हमारे साथियों ने पहले लगवाया वो बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग भी आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़े हैं। और नहीं लगवाना खतरे वाली बात है। आप देख रहे हैं कुछ स्टेट में दोबारा सर जा रहा है और संख्या बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी को, और पुलिस के तो हर एक आदमी को, क्योंकि वो फ्रंटलाइन ड्यूटी पर रहता है, बहुत जल्द से जल्द ये टीका लगवाना चाहिए, वैक्सीनेशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। सर आज आपका फर्स्ट डोज था जी, सर आपकी तरफ से अभी कितने फोर्स को लग चुके हैं वैक्सीनेशन? अभी टोटल ही स्टेट में 13,000 लोगों को लगा है, तो कम लगा है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स थे, स्टेटहुड डे का अरेंजमेंट था और काफ़ी ड्यूटीज़ थी, तो अब हमारे लोग एक शेड्यूल्ड एक प्रोग्राम के अंतर्गत अब सब लगवाएंगे डिस्ट्रिक्ट यूनिट में। आज काफ़ी जगह लगा है, तो आप देखेंगे ये फिगर आने वाले टाइम में बढ़ेगा। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर एक कर्मचारी वॉलंटरी रूप से इस टीके को लगवाएं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करें। सर देखा गया कि काफ़ी इंटीरियर जगह है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर जो आउटरीच एरिया है, तो उन पुलिस वालों लोगों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स लोगों को किस टाइप से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आया जाएगा? वही प्रोग्राम बना है डिस्ट्रिक्ट एसपी से कि सभी लोगों को रोटेशन से, चाहे स्टाफ को रोटेट करना पड़े या एक बार में लाना पड़े, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करनी पड़े, तो यही सब चीज़ें वर्कआउट होने के कारण ये नंबर थोड़ा स्लो है। अभी चीज़ें थोड़ी मेन स्ट्रीमिंग हो गई है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे सभी लोग बारी बारी से, जैसी भी लोकल कंडीशन होगी उसके हिसाब से इस टीके को लगवा लेंगे। सर ए पार्ट ऑफ दैट अब तो शायद फ्रंटलाइन वर्कर के बाद में वह पुलिस को भी दे रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिशल्स को भी दे रहे हैं, उसके बाद में जो एजेड लोग हैं उनको भी देने का प्रावधान है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खास करके एक हमारा सीनियर ऑफिसर भी है, प्लस एक मोटिवेटर के रूप में आप किस टाइप से संदेश देंगे लोगों को? देखिए, हमारे 15,000 एम्प्लॉई हैं, उसमें से 11,000 तो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ही हैं, तो बाकी 4,000 बचे हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फेज़ में वो भी आ जाएँ। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और कोरोना ने पूरी विश्व को, आपने देखा, पूरे लास्ट ईयर में हिला के रख दिया है, और अब वैक्सीनेशन बनी है और ये बड़ी कारगर वैक्सीनेशन है। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे भी उनका प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, उसे ज्वाइन करें और उस मौके को गंवाएं नहीं। टीकाकरण की ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है वैक्सीनेशन की, इसको ज़रूर ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। सर मौके का फ़ायदा उठा के मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आई नो आप यहाँ पे वैक्सीनेशन लेने आए हो, लेकिन क्यूपो जो जो क्यूपो वो था एम्प्लॉयर्स था, तो सर उसका अपडेट क्या है? क्योंकि 16 को लास्ट डेट था। थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू।